खुशामदीद सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री टू में। मैं हूँ आपकी होस्ट जुमैरा और मेरे साथ है मिस्टर डी। क्या हो गया आपसे? मैं हूँ डी और मैं कौन हूँ? आपके मुंह में इतने सारे चीटोज हैं तो फिर आप बात कैसे करेंगे? तो मुझे भी पसंद है बहुत, लेकिन अभी मैंने वेलकम किया, आप तो इतने खाते इतना खाते, क्या बोलूं भाई? ये बहुत मजेदार होता था। अच्छा, इस वक्त कौन सा फ्लेवर खा रहे थे बाय द वे आप? मैं वो याद नहीं है। केचप। केचप? अब भाई केचप तो मैंने भी खाया है और वो अच्छा। चलें भाई। हेलो छोटू, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल आपकी गांव से खैरियत से हूँ। आपकी मुझे मेल मिलती है, आप मुझे एसएमएस मिलते हैं, आप मुझे खत मिलते हैं, आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं, आपने उमेरा के बारे में भी लिखते हैं। हेलो हेलो, एक मिनट, मेरी भी तारीफ होती है, सिर्फ इनकी अकेले नहीं होती। मैंने सारे एसएमएस और सारी कॉल्स और सारी मेल चेक की है, सिर्फ अकेले अकेले इनकी तारीफ नहीं होती। बात कर रहा हूं तो मुझे बात करने दो ना। अरे करे करे। हां तो छोटू, आप अक्सर मुझे यही कहते हैं कि आप उमेरा को होस्टिंग करता दिखाएं, तो छोटू मैं तो बहुत कोशिश करता हूं उमेरा को होस्टिंग करने आ जाए। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? मतलब क्या सारे छोटू मुझे पसंद करते हैं? सबको पता है कि मैं उनकी मेन होस्ट हूं। हां वो बात है, मैं जवाब दे रहा हूं कि मेल कर, तुम चुप करो। ये ऐसी कोई मेल नहीं आई है छोटू। आई है, मुझे पता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे दिखाएगा मगर अभी तक छोड़ ऐसा इस मेल की बात को। अब वैसे इधर देखिए ना, ये क्या है? यही मुंह मैं रोज देखता हूं। मैं अपनी तरफ कहां नहीं निकली बोली। बिल्कुल, बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटूज हैं। और आज एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन हैं जनाब जी। आपको पता है हमारे शो में यानी इंडस छोटू में बहुत सारे छोटू आ जाते हैं, इतनी सारी मेल्स आती हैं, कॉल आती हैं, पर हम पता है सबको नहीं बुला सकते। मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं सबको बुला लूँ जी। छोटू बिल्कुल मेरा दिल करता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कौन सी बात? अरे आप क्या बात करें, छोटू को इतने फेवरेट, इनके इतने फेवरेट है छोटू। दे दिए, ये तो मैंने खाने। जी नहीं, आप बहुत खाते हैं, छोटू को देना था, ये छोटू के लिए थे। सबसे कुछ खाने के लिए कौन सा काम? मतलब गेम है, इनको को गेम जो सबसे पहले बनाएगा उसको हम ना वो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होगा जरूर, कॉम्पिटिशन हम रखेंगे, लेकिन इस वक्त इंट्रोडक्शन भी तो जरूरी है। देखने वाले छोटू को ये भी तो जानना है कि हमारे जो आज गेस्ट हैं उनका नाम क्या है। अभी बात ये है कि भी हम दोनों ने फैसला किया है कि आपका नाम पूछा जाए। आप पहले बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम किस्सा बच्चू। किस्सा हमारे साथ है। बहुत सारी तालियां। ये और किस्सा के साथ जो बहुत ही पिंक पिंक सी प्यारी प्यारी सी फेरी है, उनका क्या नाम है? एमी हसन के लिए बहुत सारी तालियां। एमी हसन है, किस्सा है हमारे साथ, हमारी जो थर्ड छोटू है उनका क्या नाम? वाओ, इंट्रोडक्शन तो हो गया। वैसे डी क्या हो गया भाई? आपने खा लिया? फिनिश हो गया? अब हम छोटू से बात करें? ठीक है। डी ऐसा नहीं करते प्लीज। हाँ मुझे पता है, बहुत यमी यमी से चीटोस खा रहे थे आप। और वैसे पता है जो हमारे छोटूस भी खा रहे हैं और चीटोस बहुत उनको फेवरेट है, हम पूछते किस्सा से कि इनका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। फ्रेंच फ्राइज, वाओ। और आपका? कैसे? केचप, वाओ। वैसे तो पता है चिकन के सारे फ्लेवर मेरा 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 फेवरेट फ्लेवर है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कहाँ से आ गए? गुलाब जामुन पता है मीठे की बात आपने नहीं, अमरूद जामुन। अमरूद जामुन, अमरूद जामुन कुछ नहीं होते। वैसे पता है डीडी, मैं ना कल कंफ्यूज हो गई थी। तुम तो हमेशा कंफ्यूज रहती हो, ये कौन सी नई बात? नहीं डीडी ऐसी बात नहीं है ना, मेरी बात तो पहले पूरी सुन लिया करें। फालतू में तुम रोते हुए ना बहुत ही हंसी लगती है। आप कितने अच्छे हैं ना, मेरी तारीफ करते। थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा, बस बस, मेरी बात तो सुनो, मैं क्यों कंफ्यूज हो गई थी? क्यों हो गई थी? हाँ पता है, इतने सारे चीटोस थे ना, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं केचप फ्लेवर भी खाऊं, और फिर मेरा दिल कर रहा था मैं सालसा फ्लेवर भी खाऊं, और फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो दूसरा वाला जो फ्लेवर है ना वो भी खाऊं, फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा खाऊं। उसके बाद फिर तुम्हें अम्मी ने आवाज दी कि उमेरा उठ जाओ, देर हो गई है, तुम भाप देख रही हो। अच्छा वैसे हमने किस्सा से तो पूछ लिया, और जो हमारी दूसरी छोटू है बहुत ही प्यारी सी, उनसे भी पूछते हैं ना। प्यारी सी पिंक कपड़ों में देखो कितनी क्यूट सी। हाँ, हाँ, लेकिन हम उनसे पूछते नहीं उनका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। केचप। केचप है? अच्छा, ओह सॉरी मैं भूल गई थी, इतने सारे फ्लेवर्स हैं।
और वैसे पता है मजे की बात ये है कि छोटूस को जब छोटूस के अंदर से गिफ्ट निकलता है यानी बोल्टन का कैरेक्टर निकलता है तो उसको बिल्डअप करने में बहुत ही मजा आता है जी, बहुत ज्यादा मजा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये जो लड़की बैठी हुई है किस्सा तो किस्सा मुख्तर करते हैं और किस्सा से सुनते हैं कोई अच्छा सा गाना। हाँ, पर हमारे पास जो बेंटन कैरेक्टर्स हैं हम ये भी तो कंपटीशन रखेंगे कि अभी वो बिल्ड करें इसको, ठीक है ना? तो गाना पहले बताओ कि आप ये क्या करती हो, ये जब खाती हो। हाँ, इसको कैसे बिल्ड करते हो बताओ, दिखाओ हमें, हमारे देखने वाले चीटोस को भी दिखाओ और हमें भी दिखाओ कैसे बनाएंगे। जब मैं चीटोस खाती हूँ तो इसमें से 1, 2, 3 बिल्डेबल 3D कैरेक्टर्स निकलते हैं। 3D कैरेक्टर्स 24 कैरेक्टर्स भी निकलते हैं अगर हम लोग चीटोस खाएं तो, उसमें से कलेक्ट करेंगे तो उसमें मजा आता है, बहुत बिल्डेबल। हाँ, तो इसको बिल्ड कैसे करते हो करके दिखाओ, साथ साथ बताओगी भी। हमें बना के बताइए ना, बिल्डअप करके बताइए। इसके अंदर जो सारे पीसेस होते हैं इसको हम लोग को ज्वाइन करके एक करेक्टर बन जाता है। वाओ, मजेदार। तालियां बजाओ तो नहीं, बजाओ ना, जोर जोर से बजाओ, मुझे खुश करो। आप भी बजाइए जी, मैं अकेले नहीं बजाऊंगी, मेरे सारे काम मुझे बोलते रहते हैं। दीदी आपसे अच्छी तो तालियां हूं मेरा। अच्छा, वैसे हम किसका था गाना सुनने वाले थे ना, तो मजेदार से यमी यमी से चीटो सॉन्ग खा रहे, लेकिन हम गाना भी सुनेंगे मजेदार सा, तो हम कहेंगे किसका सॉन्ग सुनाओगी, जो सुनाओगी, तो बस स्टार्ट। आओ, वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, तेरी मुहन्नी की हर सदा में तेरी खुशबू महक रही है, हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना। इतना मजेदार सा गाना किस्सा से सुना और क्या ही बात है, मजा आया, मजा दुबाला हो गया अभी। किस्सा बतूल, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी वो क्या कहते हैं सिंगर बन गए। हमारे सारे छोटे बहुत ही इंटेलिजेंट है और आपको पता है कितनी प्यारी सी जो पिंक फेरी पैरी है, जो हमारे जो छोटू है, हमारे पैरी जो है, उनसे भी हम कुछ सुनेंगे सेगमेंट में जाने से पहले। उनका नाम भी तो पूछेंगे ना, एक बार फिर नाम पूछो। अच्छा चलें जी, नाम बता दीजिए डीडी को। मॉन्टेसरी जूनियर तो आपकी क्लास है ना, आपका नाम मैं भूल गया। आप अपना नाम बताइए ना, डीडी को नाम बताइए आपका नाम। एमी हसन, बिल्कुल ये एमी हसन के लिए बहुत सारी तालियां, और एमी हसन हमें सुनाएगी एक अच्छा सा क्या कहते हैं सॉन्ग सुनाएगी, पोएम सुनाएगी। ये तो हम एमी से पूछते हैं ना, आप सॉन्ग सुनाओगे पोएम सुनाओगे क्या सुनाओगे? पोएम। वाओ, तो फिर स्टार्ट सुनाओ। वन टू बगल में शो थ्री फोर वैसे दीदी हमने आप, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, देखिए किस्सा ने जितनी देर में पोएम सुना रही थी हमें एमी, उतनी देर में उन्होंने जो है एक बहुत जबरदस्त काम किया है, यानी बेंटन का कैरेक्टर बिल्डअप कर दिया है। तो हम कहेंगे कि किस्सा हमारे छोटू को भी दिखाइए आप ये। वाओ, देखा आपने छोटू की क्या ही बात है, और मुझे एक बात कहूं दीदी, देखिए इतनी देर में उन्होंने मतलब चीटूस खाया भी है, चीटोस खाया भी है, और उतनी देर में बेंटन का कैरेक्टर बिल्ड कर दिया, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब मैंने इसमें मुझे बनाने में बहुत मजा आया, मैं
जब घर में चीटोस खाऊंगी बेंटेन का कार्टून भी देखूंगी और इसमें जो करेक्टर निकलता है वो भी बिल्डअप करूंगी। वाओ ग्रेट, क्या बात है छोटू, तो बहुत ही जबरदस्त है। मुझे माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट लगती है। थैंक यू। आप भी मुझे बहुत लगते हैं इंटेलिजेंट। भाई क्या मतलब है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप करो। बस दीदी अब आप छोटू की सारी बातें आप प्लीज क्लोज करें क्योंकि आप वक्त हो गया कि हम छोटू को नेक्स्ट सेगमेंट दिखाएं। बिल्कुल अभी जा वो दिखाना ना, इनको प्रोग्राम दिखाने। हाँ, बहुत शुक्रगुजार हैं इनो छोटू के। हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटू आते हैं और हमसे खूब सारी गपशप करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। इसी तरह खुश रहे, बल्कि हम कहेंगे अभी जाइए कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिएगा। जाके देखिए हमारा ये वाला नेक्स्ट सेगमेंट।